और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, आज का सबसे बड़ा सियासी सवाल, क्या उद्धव ठाकरे का गेम ओवर? सवाल इसलिए क्योंकि एक और विधान परिषद चुनाव में अघाड़ी सरकार को झटका लगा, बीजेपी अपना पांचवां कैंडिडेट भी जिता ले गई, तो दूसरी ओर शिवसेना में बगावत हो गई। ताजा खबर यह है कि सरकार बचाने से ज्यादा शिवसेना पार्टी को बचाने की कोशिश हो रही है। डैमेज कंट्रोल में इस बार खुद उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे लगी हुई हैं। उद्धव ठाकरे के बचे खुचे विधायकों की फिर घेरेबंदी हो रही है। मगर असल प्रॉब्लम कहां है और क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं खुशी कहीं गम, कहीं सत्ता आने की आहट, कहीं बागी विधायकों का संकट। महाराष्ट्र की मुंबई से गुजरात नो सूरत तक सियासी सर्कस पूरे उफान पर है। ये वो पावर प्ले है जिसमें पर्दे के पीछे प्रॉम्प्टर कौन है, इसका आप केवल अनुमान लगा सकते हैं। मगर लीड एक्टर एकनाथ शिंदे हैं, जो अब शिवसेना विधान मंडल दल के नेता नहीं है। उद्धव ठाकरे ने इस कुर्सी से उनकी छुट्टी कर दी है, मगर दो मलाईदार मंत्रालयों की कुर्सी बची हुई है, पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट। शिंदे 35 विधायकों के साथ सूरत में बैठे हैं और उद्धव के दूत सूरत के 5 सितारा होटल की परिक्रमा कर रहे हैं। महाराष्ट्र का ये महाड्रामा अभी कुछ दिन चलेगा। महाड्रामा है तो लंबा भी खिंच सकता है। उद्धव ठाकरे के चाणक्य संजय राउत खिसियाई जबान में पूछते हैं, सरकार गिराने वाली घेराबंदी हर बार गुजरात में ही क्यों? मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जा रहे? ये देश तो बहुत बड़ा है, सूरत में है मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है, उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा, उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहां किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहां अपना काम कर लेती है आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहां वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावंत निष्ठावान शिवसैनिक। संजय राउत की खिसियाहट अपनी जगह, सियासत अपनी जगह। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले तो दावा किया कि एकनाथ शिंदे की जल्द घर वापसी होगी। मनाने की, देखिए मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ, वो ऐसे व्यक्ति है वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। क्या 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी असफल होगा? ये प्रयत्न पूरा असफल होगा। संजय राउत ने दिन भर में कई बयान दिए। मुख्यमंत्री निवास वर्षा पर शाम की बैठक में जाने से पहले दावा किया, एकनाथ शिंदे की ठाकरे के संदेश वाहकों से बात हो गई, वो लोग उद्धव ठाकरे से मिलकर पूरी कहानी बताएंगे। हमारे लोग वहां गए थे तो इतना शिंदे जी से बातचीत हो गई। इतना शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी है, एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है। उनकी कुछ बातें हैं, जो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करेंगे। बीजेपी के साथ सरकार बनाने की ऐसी बातें सामने आ रही कि उनकी, देखिए बीजेपी के साथ हमने क्यों छोड़ी सबको मालूम है। इतना शिंदे भी उनमें एक विटनेस है, उसमें क्या है। एकनाथ शिंदे के बारे में संजय राउत बोल रहे थे, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टियों के नेता बोल रहे थे, मगर शिंदे सूरत में खामोश और ट्विटर पर हलचल पैदा कर रहे थे। जैसे ही शिंदे को शिवसेना विधान मंडल दल से हटाने का ऐलान हुआ, उनका ट्विटर चहका।
हम बाला साहेब के कट्टर शिवसैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के अनुरूप हमने न सत्ता के लिए कभी धोखा दिया है और न कभी धोखा देंगे। एकनाथ शिंदे। शिंदे ने खुद को बाला साहेब का कट्टर शिवसैनिक बताया, ठाणे के शिवसेना नेता आनंद दीघे का चेला बताया, मगर ये नहीं बताया कि आखिर उनका गेम प्लान क्या है और विधान परिषद मतदान के बाद अचानक वो सूरत कैसे पहुंच गए। सोमवार को जब शिवसेना विधायकों की बस आदित्य ठाकरे की अगुवाई में विधानसभा पहुंची, शिंदे आदित्य के साथ नहीं थे, थोड़े कटे कटे दिख रहे थे। तस्वीरों में ये साफ नोटिस होता है। मीडिया के सामने आए भी तो बस बयान की औपचारिकता पूरी। ये आखिरी बार है जब शिंदे को मुंबई में देखा गया। इसके बाद वो नॉट रीचेबल हो गए। फिर सूरत से उनकी मौजूदगी की खबर आई, अघाड़ी के 35 विधायकों के साथ। मगर ये सब इतना अचानक भी नहीं हुआ, कई दिन से शिंदे इसकी तैयारी कर रहे थे। MLC चुनाव से 4 दिन पहले ही शिंदे ने अपने निजी स्टाफ को छुट्टी दे दी थी। इस दौरान वो कहां और किससे मिलने जा रहे हैं, इसकी खबर किसी को नहीं थी। इस दौरान शिंदे विधायकों को एकजुट करने की रणनीति बनाने में लगे थे। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे का विधायकों की बैठक में न आना ट्रिगर पॉइंट बना। शनिवार की शाम सरकारी गेस्ट हाउस सह्याद्री में शिवसेना और समर्थक निर्दलीय विधायकों की बैठक थी। मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले से गेस्ट हाउस की दूरी बस 500 मीटर है, मगर मुख्यमंत्री मीटिंग में आने की बजाय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को जन्मदिन की बधाई देने राजभवन चले गए। शिंदे ने इस पर बाकी विधायकों के बीच अपनी नाराजगी का भी इजहार किया था। चर्चा है कि शिंदे और बाकी विधायकों की नाराजगी की खबर उद्धव ठाकरे को मिली थी। यही वजह है कि वो विधान परिषद मतदान के दौरान विधानसभा पहुंचे और काफी देर रुके रहे, मगर उद्धव विधानसभा पहुंचकर भी साजिश को भांप नहीं पाए। इसे उद्धव के पॉलिटिकल एक्यूमेन की कमी कहिए या पैरासाइट चीफ मिनिस्टर, वो हर दांव के लिए शरद पवार की ओर देखते हैं। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में जिसे थर्ड इंसिडेंट, इससे पहले जो हुए थे, मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे MLAs को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुजरात में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो ऑफिस आ गए, सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। तब वहाँ इलेक्शन था और यहाँ तक NCP है कि NCP के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला। NCP का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया, बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे MLA ने वोटिंग वहाँ किया और इसे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था इसे हम किसी में हम नाराज नहीं है। पवार जिस ओर इशारा कर रहे हैं उसे BJP के विरोधी ऑपरेशन लोटस कहते हैं, मगर BJP किसी हड़बड़ी में नहीं है। वो राज्यसभा में अपने 3 उम्मीदवार जिता चुकी, विधान परिषद में सभी 5 उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही। चर्चा है कि वो अभी वेट एंड वॉच के मोड में ही रहेगी, खुद के ऊपर सरकार गिराने का दाग नहीं लगाएगी। एकनाथ शिंदे और अघाड़ी के असंतुष्ट विधायकों को ही मौका देगी। पार्टी के ज्यादातर नेता खामोश हैं। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल बोले तो उन्होंने इसका ठीकरा संजय राउत के बड़बोलेपन पर फोड़ दिया। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। तो अभी तो संजय राउत जी है थोड़ा ठीक समझ पोलाइट बात करे हर विषय पर, नहीं मराठी अंगावर जाने की आवश्यकता नहीं।
सूत्र बताते हैं कि बीजेपी मॉनसून सत्र की शुरुआत होने तक इंतजार कर सकती है, इसलिए मीडिया के सामने पाटिल इस कांड की पटकथा का लेखक संजय राउत को बताते हैं। अभी ऐसे कि पूरी स्थिति जो है वो जो हम कहते हैं ना अस्पष्ट है, ऐसे स्थिति में जल्दबाजी करने वाला इमैच्योर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नहीं है। अभी तक प्रस्ताव गया नहीं है, कोई आया नहीं है और पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चंद्रकांत पाटिल जो कहें, मगर जब उद्धव ने बेटे आदित्य को अयोध्या भेजा तो पूरा इंतजाम संजय राउत और एकनाथ शिंदे के ही जिम्मे था। ये दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सरयू आरती तक आदित्य के साथ शाना बशाना खड़े रहे। आदित्य की अयोध्या यात्रा में तो सवाल भी उठा कि क्या बीजेपी से करीबी बढ़ रही है। संयोग देखिए कि ये सवाल शिंदे से ही पूछा गया। ऐसा कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, शिवसेना के लिए ये श्रद्धा भक्ति और अस्मिता का मुद्दा है, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये दौरा राजनीतिक नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ रही है, इसलिए अयोध्या में इतना अच्छा प्रोटोकॉल आपको मिला है, ये भी बात कही जा रही है, ऐसा लगता है? अभी आप तो कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, अभी हमारी खाली ये जो अयोध्या का दौरा है ये अपना दर्शन का मुद्दा है, भक्ति का मुद्दा है और श्रद्धा का मुद्दा है, इसमें कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जाहिर है शिंदे ने ये कदम अचानक नहीं उठाया है, इसकी भूमिका महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के साथ ही बनने लगी थी। ठाकरे परिवार में सत्ता संभालने की परंपरा नहीं थी, बाला साहब रिमोट से सत्ता कंट्रोल करते थे। उद्धव सीएम नहीं बनते तो शिंदे ही पहले दावेदार थे। उद्धव ने सीएम बनने के बाद आदित्य पर ध्यान दिया, एकनाथ शिंदे के डिपार्टमेंट में भी दखल देते थे, उद्धव की इजाजत के बगैर फैसला नहीं हो सकता था। मातोश्री में संजय राउत के बाद अनिल परब जैसों की पूछ बढ़ गई थी। हिंदुत्व की नारेबाजी तो बहाना थी, दरअसल शिंदे की नाराजगी की असली वजह यही थी। वो देवेंद्र फडणवीस के पुराने करीबी माने जाते हैं, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट समृद्धि राजमार्ग को शिंदे ने पूरा कराया। इससे पहले भी वो अपने दम पर तीन बार बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिश कर चुके थे, मगर इस बार जब फडणवीस 134 विधायक जुटाकर अपना पांचवा एमएलसी भी बना ले गए तो उनका हौसला बढ़ा, बगावत अंजाम दे दी गई। एक चीज तो तय है कि ये बिना बीजेपी के शह के, बिना बीजेपी के समर्थन के, बिना बीजेपी के भरोसे के ये सब कुछ नहीं हो सकता। अगर एकनाथ शिंदे इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं तो जाहिर तौर पे वो भरोसा उन्होंने लिया है, और जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि वो भरोसा उन्होंने बीजेपी से भी लिया है। लेकिन आपको मैं एक दिलचस्प चीज बताऊँ कि शरद पवार ने जो कहा तीन बार, वो अटेम्प्ट छोड़ दीजिए, सिर्फ एकनाथ शिंदे के बगावत की बात करें तो इससे पहले तीन दफा उन्होंने अपनी बात की थी और वो ये बता रहे थे कि वो बहुत नाराज हैं, उनके विधायक अलग होना चाहते हैं, और ऐन वक्त पर खुद एकनाथ शिंदे ही पीछे हट गए थे। बीजेपी के एक टॉप सोर्स ने हमें यह बताया कि उसके बाद उन्हें यह भरोसा नहीं था कि एकनाथ शिंदे कोई इतना बड़ा कदम आगे कभी उठा पाएंगे, क्योंकि ऐन वक्त पर एक रात पहले वो जाकर पलट जाते थे, वो एक जो पॉलिटिकल गट्स की बात कहते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं लैक करते थे वो, जिसके चलते वो ऐसा कदम नहीं उठाते थे। इस बार क्योंकि इतना बड़ा कदम उन्होंने उठा लिया है, बीजेपी निश्चित तौर पर इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रही है। हालांकि आप देखें तो इस पूरे मसले पे आपको बीजेपी के नेता बहुत कम दिखेंगे जो खुलकर आकर इस मामले को लेकर खूब ज़्यादा बयानबाजी करें। उसकी वजह यह है कि पिछली बार अजीत पवार एपिसोड में बीजेपी को जिस प्रकार के किरकिरे का सामना करना पड़ा था, जाहिर तौर पर पार्टी इस बार छाछ भी फूंक फूंक के पीना चाहती है और ये नहीं चाहती कि वो ये सीधे सीधे दिखे कि ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड वो कर रही है। इस नाराजगी का फायदा उठाने के लिए बीजेपी के नेता आगे जरूर आएंगे, फिलहाल पर्दे के पीछे हैं और बहुत फूंक फूंक कर सदे हुए कदम जिसे कहते हैं उसके हिसाब से हालात पे नजर रखा जा रहा है। अगर वो नंबर सूरत में जितने हैं वो अगर विरोध में इंटैक्ट रहते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी उसके बाद खुलकर आपको सामने दिखेगी। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में दीवाने खास का भी रोल अहम होता है। खबर है कि सूरत गए उद्धव के संदेशवाहकों ने एकनाथ शिंदे की बात उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे से कराई है, इससे बर्फ पिघलने की उम्मीद जगी है, एक रास्ता खुलता दिखा है। मगर इसी बीच देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक ट्वीट किया, एक था कपटी राजा, बताने की जरूरत नहीं कि अमृता क्या बताने की कोशिश कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।